जिंदाबाद साथियों। और उसकी जुड़ी कोई समस्या आती है ये हेल्पलाइन नंबर जिससे आप शिकायत कर सकते हो। ऊपर वाले दूसरा दूसरा आप ड्राइवर भी काम करते हो है ना, बात एक निर्माण श्रमिक कल्याण तो छोड़ो, आप भी होता है आप सब लोग का श्रमिक कार्ड बनाओ और कल के लिए बोलना है, घर में लिखाना है, निरस्त करना है, आपके बच्चे आपके बच्चे परिवार के लिए सहयोग राशि थोड़ा यू जाओ थोड़ा सा। तो आप देखें सीधा ये दृश्य है जहाँ पर हमारे लेबर हेल्पलाइन से महेंद्र सिंह जी एडवोकेट साहब लेबर हेल्पलाइन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और मजदूर भाइयों को जो है जानकारी, कई जानकारी मिली, कई हाँ आप बताओ मास्क कट दे इसलिए वो नंबर पर फोन कर देना। अच्छा बढ़िया चीज है। हाँ कार्रवाई करनी कई कई क्यों हेल्पलाइन में कार्रवाई करनी मतलब ये लेबर लाइन की है और मजदूरों के लिए भाइयों के लिए पैसा नहीं दिया दम पटी लगा है उसके लिए हमारे को सही मिलेगा। अच्छी है हमारे लिए, अच्छा है ना, हमारे लिए तो फायदा है, बहुत फायदा है। तो आप देखें मजदूर हेल्पलाइन को कल ही अवार्ड मिला था और आज देखें मजदूर भाइयों को खुशी है कि हमारे कोई मदद करने वाला तो है। पहले कोई था अपने मदद करने वाले? कोई नहीं था पहले, कौन था, कोई नहीं। और हर रात जगह पुलिस वाले को बोले नहीं तो बोले उसका सेठ के सुनता है, हमारे कोई सुनता ही नहीं, मजदूरों की कोई सुनता ही नहीं आज के लाइन में। तो देखिए हमारे युवा साथी भी कागज को अगर क्या का क्या है इसमें मजदूर का पैसा ना मिलना, मजदूर का पैसा ना मिलना और मजदूर का पैसा खा लेना, मजदूर का पैसा नहीं मिलना और मजदूर का पैसा खा लेना। फोन नंबर लगे थे गरीब डायरी कड़ी देखी पड़ी है तो फोन नंबर हाँ चलो एक बाहर बात करो इनसे करनी पड़ती है। जैसे आपने क्या काम करते हो नब्बे दिन का एक वर्ष में जैसे आप सक्रिय हो ऐसा नब्बे दिन का बनाना पड़ता है ठेकेदार के खाते हो या फिर संपत्ति मालिक के खाते हैं उसका पैन पैन कार्ड आधार कार्ड देना पड़ता है। तो ये है उदयपुर से सीधा दृश्य है जहां श्रमिक भाई बहनों को लीगल अवेयरनेस की जानकारी दी जा रही है इनके मजदूरी के बारे में, कहीं अगर पैसा बाकी है और किसी मालिक ने या ठेकेदार ने पैसा नहीं दिया है तो वो टोल फ्री का कैसे उपयोग कर सकते हैं, कैसे वो फ़ोन लगा सकते हैं, उसके बारे में सीधी जानकारी देते हैं हमारे एडवोकेट महेंद्र जी इनको जानकारी दे रहे हैं। ये देखो ये नेताजी आ गए हैं, नेताजी कहीं लाग रहे हो लेकिन कभी कभी काम नहीं मिलता था हमको वापस जाना पड़ता है, वापस जाना पड़ता और जो काम जहाँ काम करने जाते हैं वहाँ पर जो यहाँ से कमिटमेंट करके ले जाते हैं पूरी मजदूरी मिलती है आपको। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ से जो कमिटमेंट करके लेके गए और वहाँ जाके पूरी आपको मजदूरी नहीं मिलती है, अगर ऐसी
कोई समस्या आती है तो इस नंबर पर आप कर सकते हो कि भाई 500 रुपये हमारे को तय करके लेके गए, 10 दिन तक हमने कायरी किया और हमको पूरा पैसा नहीं मिला, है ना। तो ये देखे सीधी लेबर लाइन की जानकारी देते हुए आइए हमारे एक साथी और है भगवान जी, जो ये हमारे साथी भगवान जी है अरावली यूनियन से और मजदूरों को कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं। हाँ तो भगवान जी जानकारी दे रहे हैं। तो मज़दूरों को काफ़ी सारी समस्या होती है, काम करने जाते हैं कहीं पैसा खा जाते हैं, कोई पैसा काम करा के नहीं देता है, मारपीट करता है, ज़बरदस्ती काम कराता है, और हमको क्योंकि कानून के बारे में जानकारी नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, कई सारी समस्या आती है। ऐसी कोई समस्या आए तो आपको ये नंबर दिया है, नंबर दिया 1800 1800 999 जिसपे आप सीधा फ़ोन कर सकते हैं, है ना। और अभी तो बहुत खुशी की बात है कि 25 करोड़ रुपए का लेबर लाइन ने भुगतान कराया मज़दूरों का, जो 1000 2000 10000 1 लाख 2 लाख ऐसी पेमेंट था सब मज़दूरों को दिलाया है। और आप लोग कहीं पैसे कहीं रुक गया है तो आप भी इस लेबर लाइन का प्रयोग कर सकते हैं ना। ये राजस्थान सरकार और आजीविका ब्यूरो द्वारा संचालित है ना, ये खाली पूरे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में खाली राजस्थान में ही है। मजदूरी से संबंधित जुड़ी कोई भी समस्या हो जिससे आप शिकायत कर सकते हैं, जिससे आप श्रमिक कार्ड बनता है उसका योजना का किसके नाम है, श्रमिक कार्ड कैसे बनता है, क्या क्या खर्च होते हैं, बहुत सारी जानकारी आप काम करना चाहते हो, कोई श्रमिक कार्ड जो होता है ट्रीटमेंट करके हो जाता है, हम आपको 500 रुपये देंगे, वहाँ ले जाने के बाद जितना गरीब आदमी हिसाब करता है उसमें आपके 1000 रुपये 2000 रुपये भी कम मिले, तो इससे आप शिकायत करके अपना बात दर्ज करवा सकते हैं। ये तो बच्चे कार्ड है, मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी और देना चाहूँगा, मुझे दोनों मेरी बात सुन लो, अपना श्रमिक कार्ड बनाना बहुत जरूरी है, अगर आप श्रमिक कार्ड बनाओगे तो उससे बहुत सारे लाभ मिलेंगे जिससे आप लाभान्वित हो सको, है ना, जैसे स्कॉलरशिप मिलती है आपके बच्चों को, बच्चों को उसके लिए भी सहायता मिलती है, ठीक है ना। तो आप श्रमिक कार्ड बनाने के लिए 1 वर्ष में 90 दिन तक कहीं काम कार्य किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। उससे अपन जैसे ठेकेदार के अंदर में करते हैं उसका आधार कार्ड वगैरह GST नंबर ले लिया, या किसी जैसे ये मकान बन रहा है कोई, इन 90 दिन तक इनके यहाँ पर किया तो आधार कार्ड पैन कार्ड लोगों की कुछ लिख के दे देगा तो श्रमिक कार्ड बन जाएगा। बाद में बहुत सारी योजना योजना जिससे अपन लाभ ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए भगवान जी हमारे अरावली यूनियन के हमारे कोषाध्यक्ष है जो आज साइफन चौकटी पे पहुँचे हैं और लगातार हमारे मजदूर भाइयों को जानकारी देते दिखाई दे रहे हैं। जब लीडर्स अपनी जिम्मेदारी निभाते तब मजदूरों को निश्चित रूप से फ़ायदा मिलता है। देखिए आप योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं।